अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से फ्लोरल प्रिंट के साथ एयरलाइनर स्कर्ट ड्रेसेस दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत से प्रिंट में आप लोग ये ड्रेसेस देखेंगे। कुछ फ्लोरल प्रिंट के साथ हैं, कुछ डिफरेंट प्रिंट के साथ हैं। बहुत ही डिफरेंट से कलर्स कंट्रास्टिंग आप लोग देखेंगे इस वीडियो में, और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, सिंपल से और बहुत ही स्टाइलिश ड्रेसेस हैं। कुछ वी नेक के साथ, कुछ राउंड नेक के साथ, कुछ बेल्ट डिटेलिंग के साथ, कुछ बॉक्स प्लेटेड स्टाइल के साथ। स्लीवलेस डिज़ाइन ज़्यादातर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, स्मोकिंग के साथ भी आप देख रहे हैं, इलास्टिक वेस्ट में आप डिज़ाइन देख रहे हैं। तो भी पर इस वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें व्यूअर्स, बहुत प्यारा सा प्रिंट है, सिंपल से और बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस और डिज़ाइंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में। कुछ कैप स्लीव्स के साथ भी आप देखेंगे, कुछ स्मॉल स्लीव्स के साथ भी मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी। ज़्यादातर स्लीवलेस डिज़ाइन आप देख रहे हैं। ये देखें, कॉलर नेक के साथ, साइड प्लेटेड स्टाइल के साथ, रिबन बेल्ट के साथ, बहुत ही खूबसूरत से कलर्स और कंट्रास्टिंग के साथ मैं आपको बहुत ही डिफरेंट से और बहुत प्यारे से ड्रेसेस दिखा रही हूँ। सिल्क के साथ आप लोग ये ड्रेसेस देख रहे हैं ज़्यादातर। ये देखें व्यूअर्स, सिंपल एयरलाइन आप दिखा रही हूँ मैं आपको। तकरीबन 35+ डिज़ाइन व्यूअर्स आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।